हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपका एग्जाम बिहार या स्टेट का ओनली एक दिन अब बचा है, परसों आपका एग्जाम है। इसमें से मैं दो मॉडल प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ, 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट है जिसमें से यह तीसरा है, दो को आप देख लीजिए। इस तरह मैं कल 10 बजे तक पूरा का पूरा 10 अपलोड कर दूंगी। जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी, आप जल्दी से जल्दी इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी तक थ्योरी सेशन पढ़े ही होंगे, अब बस इसी 10 सेशन का प्रैक्टिस सेट का बस प्रैक्टिस कीजिए। समय नहीं है, जल्दी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस रोग का उन्मूलन हो चुका है? तो यह क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस में है दोस्तों। लाइलाज, एड्स जो है, कैंसर जो है, ये दोनों का तो कोई इलाज नहीं है अभी तक, बट यहाँ पे राजयस्मा यानी कि राजयस्मा को हम तपेदिक और ट्यूबरकुलोसिस टीबी रोग कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, तो इसका भी तो रोग उन्मूलन हो सकता है। बट आंसर में आपका दिया हुआ है बुक में 2 यानी चेचक दिया है, बट चेचक तो लाइलाज बीमारी है, तो इस क्वेश्चन को सस्पेंस में रखते हैं, मैं इसका कन्फर्म नहीं हूँ। आगे चलती हूँ, किन्हीं में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है? तो इसको बताया है रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया का जो वाहक होता है मच्छर होता है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। याद रखिएगा, मैं केवल क्वेश्चन का आंसर दूंगी, डिटेल ज्यादा नहीं करूंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एड्स का पहला केस कब मिला था? तो भारत की बात कर रहा है, तो भारत में एड्स का पहला केस मिला था तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है, तो मानव शरीर में 70% के लगभग पानी होता है। एंड नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को क्या कहते हैं? आप सबको पता है, सबसे यहाँ पे सबसे छोटी हड्डी पूछा है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? कान की स्टेपीज। सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो फीमर जांग की। याद रखिएगा दोनों चीजें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में पहला सुपर 500 खिताब जीता है? तो वो है आपकी पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम एशियाई खेल समारोह 1951 का उद्घाटन कब किसने किया था? तो आपको पता है कि प्रथम एशियाई खेल 1951 में शुरू हुआ था, वो भी भारत में, नई दिल्ली में। इसके जन्मदाता है, शुरू करने वाले हैं प्रोफेसर जीडी सोंधी, जिस प्रकार ओलंपिक खेलों, आधुनिक ओलंपिक खेलों के पितामह कहे जाते हैं पेर डी कोबर्टिन, उसी प्रकार एशियाई खेलों के पितामह कहे जाते हैं जीडी सोंधी। लेकिन इसका उद्घाटन 1951 में किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? तो दोस्तों, ओलंपिक ग्रीस की रचना ग्रीस के स्पाइरास समरास पोस्टिम पलामास ने किया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास किसका अध्ययन है? तो दोस्तों, बाल विकास बच्चों के विकास के विभिन्न पहलू का अध्ययन है, बच्चों के अभ्यास का अध्ययन है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, यहाँ पे आप 61 क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ है। तो बाल विकास, यहाँ पे सभी ऑप्शन हो जाएंगे, तत्व जो विकास को प्रभावित करते हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास, यानी साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, इस कथन को किसने कहा है? आप सबको पता है, बार बार क्वेश्चन हर बार आता है, हर एग्जाम में अरस्तु जी ने कहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है वानखेड़े स्टेडियम, याद रखिएगा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अंतर है? तो दोस्तों, उसके क्षेत्र, उद्देश्य, दृष्टिकोण में अंतर है, इन तीनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन क्या है? तो विटामिन डी है, विटामिन डी से कैल्शियम मिलता है, जो हमारे हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही मजबूत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेप्रोसी यानी कि
लेप्रोसी को क्या कहते हैं? लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, इसको हेंसेस डिजीज भी बोला जाता है, कोढ़ बोला जाता है। या किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया से। किस बैक्टीरिया से? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका निम्न में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस टीबी, जिसे क्षय रोग राजयश्मा भी बोलते हैं, उसके टीका के लिए लगाया जाता है। याद रखिएगा, इन सभी नामों में से कोई भी नाम दे सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रबंधन है, तो खेल मैनेजमेंट एक क्या है? एक कला भी है, विज्ञान भी है, दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी पाया जाता है? तो 90% पानी पाया जाता है, 8% प्रोटीन पाया जाता है और अन्य 2% में अन्य चीजें पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा हो जाता है? तो हेमरेज जिसमें आपका रक्त जमता ही नहीं है, तो हेमरेज का खतरा हो जाता है किस की कमी से? विटामिन के की कमी से, ठीक है, धमनियों में ही रक्त जम जाता है, उसी को ब्रेन हेमरेज कहते हैं। जैसे हमारे धमनियों में रक्त जम जाएगा तो क्या होगा? ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, धमनियां फट जाएंगी, इसी को ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ब्रेन में ज्यादा होता है तो विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। नेक्स्ट, ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं, तो ओलंपिक झंडे के छल्ले कितने होते हैं? 5, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। नीला यूरोप महाद्वीप को, पीला एशिया महाद्वीप को, काला अफ्रीका महाद्वीप को, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, लाल अमेरिका महाद्वीप को। ये दुनिया की एकता को प्रदर्शित करता है। ये 70 क्वेश्चन है। एक खतरनाक क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। 71वां क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे अच्छा सामूहिक तरीका कौन सा है? तो इसका सबसे अच्छा सामूहिक तरीका है स्वास्थ्य शिक्षा का, तो कौन हो सकता है? इसमें ऑप्शन दिया है प्रदर्शन। क्या दिया है? प्रदर्शन। बट यहाँ पे हाँ, प्रदर्शन यहाँ पे राइट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में ऊंचाई होती है 0.840 मीटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई जंप के लिए यानी कि ऊंची कूद के लिए लैंडिंग एरिया जो होती है कितना होता है उसका माप? तो 5×3 मीटर का होता है लैंडिंग एरिया, जहां पे गिरते हैं, ठीक है, तो वो कितना होता है? 5×3 मीटर का। नेक्स्ट है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किसकी देन है? तो जो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम है वह देन है स्वास्थ्य मंत्रालय का। किसका? स्वास्थ्य मंत्रालय का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम किसकी शुरुआत है? तो किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना का शुरुआत है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों टेबल टेनिस की टेबल की लंबाई चौड़ाई होती है 2.74 मीटर लंबाई होती है एंड 1.525 मीटर उसकी चौड़ाई होती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए हैमर थ्रो का वजन कितना होता है? दोस्तों तो महिलाओं के लिए होता है 4 किलोग्राम हैमर थ्रो और 60 फुट दोनों का, याद रखिएगा। गोला फेंक हैमर थ्रो दोनों के लिए महिलाओं के लिए 4 kg और पुरुषों के लिए 7.26 kg होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से जनसंख्या और विकास पर संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ICPD में भारत के किशोर और युवाओं के यौन प्रजनन अधिकारों की पुष्टि की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1994 में। कब किया गया था? 1994 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम विधि कौन है? तो बैलिस्टिक स्टैटिक डायनेमिक PNF मेथड ये होता है आपका। तो यहाँ पे स्टैटिक मेथड यानी कि स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड, यानी कि स्लो स्ट्रेच कीजिए और कुछ देर तक रोके रखिए, यानी स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड लचीले यानी फ्लेक्सीबिलिटी के डेवलप के लिए सबसे अच्छा विधि है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते, 79 है, 80 क्वेश्चन कहाँ पे है आपका? 80 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 80 क्वेश्चन क्या है कि लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है? क्या है दोस्तों? गतिवर्धन दौड़, गति वाली दौड़, ये तो गति के लिए है। बट प्लायोमेट्रिक्स जो है वो आपका विस्फोट रख सकती हो, तो यहाँ पे कोई भी नहीं ऑप्शन दिख रहा है लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए, तो आपका कौन सा राइट होगा? यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट होगा, 4 ऑप्शन, ठीक है।
नहीं फिर दोस्तों कोष्ठबद्धता यानी कि कंस्टिपेशन का कारण है। कोष्ठबद्धता में क्या होता है, शरीर में पानी की मात्रा कम लेने से कोष्ठबद्धता हो जाती है, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का मोटापा मापने का यंत्र क्या होता है, वसा यानी मोटापा मापने का यंत्र होता है स्किन फोल्ड कैलिपर। नेक्स्ट दोस्तों बाराबती स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो बाराबती स्टेडियम कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है, तो बास्केटबॉल जमीन की ऊंचाई होती है 2.90 मीटर, यानी कि यहाँ पे 3.50 मीटर दिया हुआ है, जो उसका बोर्ड यानी सर्कल यानी कि जो रिंग होता है वो बास्केटबॉल जमीन से होता है 3.50 मीटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दोस्तों तो स्विट्जरलैंड में है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में बैरन पियर डी कोबर्टिन के अध्यक्षता में हुआ था, जिसके आधार पर 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। एंड IOC के वर्तमान अध्यक्ष है थॉमस बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीचड़ स्थान यानी मोड बास कहाँ पे प्रचलित था, तो उत्तर एथेंस काल में प्रचलित था। उत्तर एथेंस नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट एथेंस दिया रहेगा, तो आपका एथेंस राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर B2 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों हैवी एक्सरसाइज करते समय आपका रक्त प्रवाह कहाँ होता है, तो रेखित पेशियों की तरफ यानी स्केलेटल मसल्स कंकाली पेशियों की तरफ होता है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की स्थापना कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। यहाँ पे 88 क्वेश्चन है, अब 89 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कहाँ पे है 89 क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चन है, जिस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, तो जब हृदय की तरफ रक्त, जब शरीर की तरफ अंगों की तरफ हृदय रक्त को भेजता है, तो हमारे धमनियों पर जो दबाव पड़ता है उसी को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड जब फिर भेजने के बाद जो रक्त बाएं निलय में आने लगता है, तब जो कम दबाव पड़ता है धमनियों पर उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ धमनियों के सिकुड़न के द्वारा आपका राइट होगा, लेकिन इसका आंसर हर एक बुक में अलग अलग दिया गया है दोस्तों। या और एक बुक में दिया हुआ है कि हार्ट मसल्स के द्वारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट मसल्स के द्वारा, जबकि ब्लड प्रेशर होना ये आपका धमनियों की सिकुड़न के द्वारा, जो धमनियों पर दबाव पड़ता है उसके आधार पर मेजर किया जाता है। बट यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है आपका धमनियों की सिकुड़न के द्वारा, राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं, आप सबको पता है, वेलेंट्री इनवेलेंट्री एंड कार्डियक मसल, रेखित अरेखित और हृदय मसल्स होती है। जो रेखित पेशियां होती है हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जैसे कि हाथ पैर, इस समय रेखित पेशियां पाई जाती हैं। इनवेलेंट्री यानी कि अरेखित अनैच्छिक पेशियां जो होती हैं वो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, अमाशय, छोटी याद, बड़ी याद, ये अपने आप कार्य करती है, हमको इच्छा की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड कार्डियक मसल जो जीवन प्रयत्न चलता रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का उपयोग क्या होता है, पहले पहले जमाने में जो आदि मानव होते थे वहां पे एक पूंछ की तरह होता था, और बड़ी आत में पूंछ की तरह, जो बड़ी आत की संरचना आप देखेंगे तो उसमें पूंछ की तरह लास्ट में निकला हुआ रहता है, वो पाचन तंत्र में पहले सहायता करता था, बट अब वो खत्म हो चुका है, अब पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा अब के पर्पज से। अब पहले के पर्पज से क्वेश्चन पूछा जाता तो होता कि पाचन क्रिया में योगदान देता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, तो कौन होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रिका जो होती है, केंद्रक जो होता है समस्त कोशिका के सभी अंगों का नियंत्रण करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस एंड अल्ना अस्थिया किस अंग में स्थित होती है, तो रेडियस हमारे हाथ की जो अंगूठे की तरफ की हड्डी होती है रेडियस, और जो छोटी उंगली की तरफ हड्डी होती है और अल्ना होती है यानी अग्रबाहु में होती है, फोर आर्म में, ठीक है, अग्रबाहु यानी फोर आर्म में होती है रेडियस एंड अल्ना अस्थिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हॉकी खेल मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, आप सबको पता है 100x60 गज होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है, तो पुरुषों के लिए वॉलीबॉल की नेट की जमीन से ऊंचाई 2.43 मीटर होती है, जबकि महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की काल होती है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, एडोलेसेंस यानी कि
किशोरावस्था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 96 क्वेश्चन है, 96-97 क्वेश्चन देखते हैं, 97 क्वेश्चन यहाँ पे है, 97 क्वेश्चन। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया? तो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने यूनिसेफ के लिए, जो गरीबों बच्चों के लिए, असहाय बच्चों के लिए काम करती है, उसके द्वारा शुरू किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलान करना है दोस्तों, यहाँ पे देखना है कि ओलंपिक खेल 2004 कहाँ पे हुआ था, तो एथेंस में हुआ था, यूनान के एथेंस में। एंड ओलंपिक खेल 2002 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, याद है आपको। 2000 यहाँ पे ग जो ऑप्शन दिया है, 2002 में ओलंपिक हुआ ही नहीं था, न तो 98 में हुआ था, तो इस ऑप्शन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम नहीं है इतना ज्यादा देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित होती है, यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी क्षमता किससे संबंधित होती है? तो यह सामान्य शारीरिक सहनशीलता से संबंधित होती है। यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन दिया हुआ है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री आपका राइट होगा। हृदय श्वसन की क्षमता जहां भी होगा वहां सहनशीलता होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है गाजर, सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज किसकी कमी से होता है, खराबी से? तो पैंक्रियाज जब खराब हो जाता है, क्योंकि पैंक्रियाज से के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट कर पाता है, और ग्लूकोज यानी कि जो हमारा शर्करा होता है उसका रक्त में मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण मधुमेह कहते हैं, जिसके डायबिटीज कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप सबको पता है हॉकी है। नेक्स्ट है कि वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? एकदम आप सबको पता है 18.9 मीटर का होता है। एंड 103-104 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 104 क्वेश्चन है यहाँ पे कि ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह है आपके ग्रीस यानी यूनान देश में है, जहाँ पे 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक खेला जाता था, वही है ओलंपिया, वहीं से शुरुआत हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है? तो वो है आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1957 में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करना चाहिए? तो सबसे अधिक लंबी दूरी का मतलब एंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता डेवलप करना है आपको, लंबे समय तक कार्य करने को ही सहनशीलता कहते हैं। तो सहनशीलता कैसे आएगी? जब आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करेगा आपको? तो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे लंबी दूरी के धावक को खुराक में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है वसा 1 ग्राम में 9.1, कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन 1 ग्राम में 4.1 देते हैं, बट सबसे जल्दी ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, क्योंकि वसा बहुत देर में ऊर्जा देता है, भले बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है। नेक्स्ट दोस्तों, फार्टलेक शरीर में विकसित करता है, तो फार्टलेक प्रशिक्षण जो है वो सहनशीलता यानी एंड्योरेंस डेवलप करता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? दोस्तों प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है, आप सब जानते हैं कि बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा नजदीक अपने परिवार के सदस्यों के बीच होता है, तो सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है उसके व्यवहार को? परिवार, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्ति की लंबाई मापक यंत्र, लंबाई यानी कि ऊंचाई मापक यंत्र है आपका स्टेडियोमीटर, याद रखिएगा। यहाँ पे बैंग स्केल भार मापने का, या डायनोमोमीटर जो होता है आपका शक्ति मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट है, किस शहर द्वारा 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी, याद रखिएगा। 2020 टोक्यो जापान में हुआ, 2024 पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 में लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेट शॉट होता है, सेट शॉट यानी कि सेट कीजिए और टोकरी में डाल दीजिए, यानी कि बास्केटबॉल से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एशियाई स्नूकर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? इस एशियाई स्नूकर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? तो यहाँ पे इस एशियाई स्नूकर विजेता भारतीय खिलाड़ी का नाम है, यहाँ पे हो जाएगा आपका यसीन मर्चेंट, ठीक है, यसीन मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है दोस्तों,
कि किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन यानी रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है आपका विटामिन ए की कमी से, रात को दिखाई नहीं देता है, आंखों का जो रोडोप्सिन लेयर होता है रोड सेल में वो खराब हो जाता है, क्योंकि रोड सेल क्या करता है, रोडोप्सिन लेयर जो होता है अंधेरे या उजाले का फर्क बताता है। एक कोन सेल होता है, रोड सेल होता है आंखों में, जो कोन सेल होता है वो रंगों की पहचान बताता है, लाल हरा नीला, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो अभी जो बुडा अभी जो 2023 में हुआ है हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप एथलेटिक, उसमें पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है, जिसे भारत के पहले विश्व चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा बने हुए हैं। तो यहाँ पे स्वर्ण पदक राइट होगा, जबकि बुक में आपका रजत पदक दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल न बैठा पाना ही खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन यानी कि चिंता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है, जो गुर्दे यानी कि जो किडनी है उसके ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है दोनों पर? एड्रेनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रेनल ग्रंथि, जिसे एड्रेनालिन हार्मोन स्थापित होता है, जो हमारे संकटकालीन परिस्थितियों के लिए सामना करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पैंक्रियाज स्थापित करता है, क्या करता है? इंसुलिन, जिसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? हॉकी बॉल का वजन होता है 5 × 1/2 से 5 × 3/4 औंस यानी 156 से 163 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करने वाला राष्ट्रीय संगठन कौन है दोस्तों? यह है AAFI यानी कि एथलेटिक एमेच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1946 बेंगलोर में हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम AAFI नहीं है, इसका नाम हो गया है AFI यानी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक फेडरेशन की स्थापना 1912 में हुआ था और राष्ट्रीय एथलेटिक फेडरेशन जो है वो 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, फीट में 66 फीट होता है एंड फीट में 66 फीट, गज में 22 गज, याद रखिएगा, फीट में 66 फीट, गज में 22 गज एंड मीटर में 20.12 मीटर होती है पिच की लंबाई एंड चौड़ाई होती है 10 फुट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो इसमें पद्मश्री दिया है, पद्म विभूषण दिया हुआ है एंड आपका दिया हुआ है ऑप्शन में अर्जुन पुरस्कार एंड द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार इन चारों ऑप्शन में आसन के अनुसार अर्जुन पुरस्कार होगा, लेकिन आपका भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसी का नाम बदल करके 2020-21 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिसकी स्थापना 1991-92 में हुआ था और जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख राशि दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1991-92 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख 1961 में शुरुआत, द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख 1985 में शुरुआत, लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख दिया जाता है जो 2002 में शुरुआत हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी वाका ट्रॉफी 1956-57 में शुरू हुआ जिसमें 15 लाख दिया जाता है विश्वविद्यालय को प्रत्येक वर्ष। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लर्निंग यानी सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर? परिपक्वता पर, यानी छोटे बच्चे को आप जो चाहेंगे नहीं सिखा पाएंगे, उसका शरीर विकसित होगा, माइंड विकसित होगा, सीखने की क्षमता विकसित होगी तभी वो सीख पाएगा, ठीक है, इसे परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड केम्स एंड जी डब्ल्यू पैट्रिक ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हो तो जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्क्रीन फोल्ड कैलिपर। एंड यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे गोनियोमीटर जो हमारे जो अंगों के जोड़ों को यानी कि लचीलापन को मापता है, डायनेमोमीटर शक्ति को मापता है, ताकत को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शटल रन से परखी जाती है एजिलिटी या स्फूर्ति को परखी जाती है, बट यहाँ पे गति सहन शक्ति दिया हुआ है, तो गति सहन शक्ति आपका राइट हो जाएगा, लेकिन स्फूर्ति या गति सहन शक्ति इसमें दोनों ऑप्शन राइट होंगे, दोनों ऑप्शन राइट होंगे, तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट हो जाएगा 126 में? यहाँ पे गति सहन शक्ति दिया हुआ है, ठीक है, वो आयोग के द्वारा निर्धारित होगा क्या वो सही मानता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंतराल यानी आंतरिक, यहाँ पे दे दिया है, इसे यहाँ पे लिखना चाहिए था अंतराल यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से क्या विकसित होता है, तो गति सहन शक्ति विकसित होती है, याद रखिएगा। फाटले पूछेगा तो सहन शक्ति, अंतराल प्रशिक्षण पूछेगा तो गति सहन शक्ति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है थकान की अवस्था में भी किसी प्रतिरोध के साथ प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं शक्ति सहन शक्ति, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का क्या कारण होता है, थकान क्यों होता है, लैक्टिक एसिड जमने के कारण। 129 क्वेश्चन है, 130वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 130वां क्वेश्चन है दोस्तों कि सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, तो सुब्रतो कप फुटबॉल से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों गोला फेंक को क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में शॉट पुट कहते हैं, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है, तो प्रत्येक में 10 बाधाएं होती हैं, याद रखिएगा। एंड 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है, तो 1.067 मीटर होती है 110 में, जबकि 100 मीटर में बाधा की ऊंचाई 0.84 मीटर होती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सेंटर लाइन के द्वारा विभाजित होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट कबड्डी खिलाड़ी जो आउट होते हैं वो कबड्डी खिलाड़ी कहाँ पे बैठते हैं, तो सीटिंग ब्लॉक में बैठते हैं जो 8x1 मीटर का पुरुष के लिए, 6x1 मीटर का महिला के लिए बना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन कितने होते हैं, तो पहला वाला 11 मीटर की दूरी पर होता है और बाकी सब जितने होते हैं प्रत्येक 5-5 किलोमीटर की होती है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों ईसीजी सूचक है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, हृदय की अनियमितताओं को पता लगाया जाता है इसके द्वारा, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशियों में ऐंठन यानी मसल्स क्रैम्प का कारण क्या है, पेशियों का अत्यधिक खिंचाव है, क्या है, पेशियों का अत्यधिक खिंचाव है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृष्ठ शूल यानी बैक एक एक प्रकार का विकार है, किसका, कमर का, कमर क्षेत्र का, कटी क्षेत्र का विकार है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है, आप सबको पता है फीमर जांग की सबसे लंबी और भारी हड्डी है। 140 क्वेश्चन है, 141 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 141 क्वेश्चन यानी कि टेलर्स मसल्स किसे कहते हैं दोस्तों, सार्टोरियस को कहते हैं, सार्टोरियस जो हमारे जांग की पतली एकदम पट्टा पेशी पट्टा की तरह होती है उसे कहते हैं सार्टोरियस मसल, जो हमारे हिप को मोड़ने और जांग के घुटने को विस्तार करने का काम करती है, या सार्टोरियस में से हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल्स है, और सबसे बड़ी मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस हमारे हिप की, सबसे छोटी मसल्स स्टेपीडियस कान की, सबसे मजबूत मसल्स हमारे जबड़े निचले जबड़े की मसेटर मसल्स, याद रखिएगा इन सब चीजों को। नेक्स्ट है खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है, जानिएगा खेल कूद में हमारी मसल्स जो है वो शक्ति उत्पन्न करती है, शक्ति की बात करेगा तो मसल्स, ठीक है। एंड गति की बात करेगा तो जोड़, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4.1, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है, तो वसा सबसे ज्यादा मक्खन में पाया जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया की बीमारी होने का क्या कारण है, तो परजीवी यानी प्रोटोजोआ से फैलता है, जिसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट दोस्तों मनोविज्ञान अध्ययन है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, याद रखिएगा। मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, लास्ट में अब वर्तमान में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। अब पूछेगा कि मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, किसका अध्ययन है, तो व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट दोस्तों अग्रबाहु यानी फोर आर्म की दो संधित अस्थियां आर्टिकुलेटेड बोन कहलाती है, तो अग्रबाहु की क्या कहा जाती है, रेडियस अल्ना अस्थि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे खोपड़ी हड्डी यानी स्कल बोन की अस्थि संधि को क्या कहते हैं, तो खोपड़ी की हड्डी को कहते हैं सूचर ज्वाइंट, जो अचल संधि के अंतर्गत आता है। संधियां हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती है, चल संधि, अचल संधि, अर्धचल संधि। तो चल संधि में हमारा खोपड़ी का ज्वाइंट आता है, जिसमें हमारे दांतों का ज्वाइंट भी आ जाता है, याद रखिएगा। खोपड़ी के जोड़ को सूचर कहते हैं। नेक्स्ट शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है दोस्तों, तो यकृत ग्रंथि होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि।
ऐसा पूछिएगा सबसे बड़ी अंतर स्रावी ग्रंथि कौन है, तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, याद रखिएगा दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट है हिंज संधि को क्या कहा जाता है, तो जो हमारे हिंज संधि है जो एक ही तरफ खुलता है, जो हमारे कोहनी, हमारे घुटने, हमारे उंगलियों, ये सब हिंज संधि है जो एक ही तरफ खुलता है, एक ही तरफ गति हो सकता है, जैसे दरवाजा एक तरफ मुड़ सकता है, तो यह हिंज संधि को हम कहते हैं मूवेबल ज्वाइंट। क्या कहते हैं? मूवेबल ज्वाइंट। यहाँ पे ऑप्शन ही आपका गलत दिया है, साइनोवियल ज्वाइंट भी होगा, मूवेबल ज्वाइंट भी होगा, दोनों चीज होगा, बट यहाँ पे मूवेबल ज्वाइंट सही मानते हैं। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 100 क्वेश्चंस, एंड ये तीसरा आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट था, एंड इसके बाद चौथा होगा। फटाफट से सभी वीडियोस को देने की कोशिश करूंगी, बस आप फटाफट से प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम पास कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।